टू माई चैनल फ्रेंड्स। आज की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है एक स्नैक्स की रेसिपी। बहुत ही डिलीशियस बनती है और फटाफट बनकर तैयार हो जाती है। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी बनाना। तो इस स्नैक्स को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं राइस। ये जो चावल है मेरे बच गए थे तो इसी से मैं एक ये रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो इन चावल को मैंने एक ब्लेंडर जार में डालकर इसका एक पेस्ट बना लिया है। तो हमें इस पेस्ट की ज़रूरत है तो इसे पेस्ट बना लिया है। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच के करीब सूजी और 2 चम्मच ही मैं इसमें दही डालूंगी और इन सब मटेरियल को अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें। तो ये बचे हुए चावल जब आपके पास जो बच जाते हैं तो आप उससे ये स्नैक्स बना सकते हैं जो बहुत ही खाने में टेस्टी बनता है। तो देखिए सारा मटेरियल मैंने मिक्स कर लिया है। तो अब इसे हम कवर करके रखेंगे 10 से 12 मिनट के लिए, तो ताकि जो हमारी सूजी है वो अच्छे से इसमें सारा मटेरियल अच्छे से मिक्स हो जाए। तो 10 से 15 मिनट के बाद इसमें मैंने डाल दिया है प्याज, एक आधा प्याज जो मैंने इसमें डाला है कट करके, और एक मिर्ची लिया है उसको भी कट करके डाल दिया है, और थोड़ा सा धनिया लिया है वो डाला है, और नमक डाला है स्वाद के अनुसार, और थोड़ा सा मैंने जीरा पाउडर डाला है, और पानी डालकर हम इसे एक इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। क्योंकि पानी इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ही डालेंगे। तो इन सब चीज़ों को मिक्स कर दिया है। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 चम्मच के करीब इनो का पाउडर, जो इनो होता है वो डाला है इसमें, और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इनो जो रिएक्ट करता है तो एकदम जो मटेरियल है वो फ्लफ़ी हो जाता है। तो हमें इस मटेरियल को बहुत ही फटाफट से यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने लिया है अप्पे का स्टैंड, तो इसको मैंने ग्रीस कर लिया है ऑयल से, कोई भी रिफाइंड ऑयल लें, आप चाहे तो घी का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छे टेस्टी बनते हैं। तो अप्पे स्टैंड को मैंने गैस पर रख दिया है और वो थोड़ा गर्म हो गया है, पहले हीट कर लें आप इसको, और इसमें जो जितने भी है फिलिंग के और इसमें सारा मटेरियल आप इस तरह से भर दें। और मटेरियल सारा भरने के बाद इसे हमने कुक करना है 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड पर कुक करेंगे। इसे हम कवर करके कुक करेंगे। तो सारा मैंने भर लिया है, अब इसे कवर करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हम इस तरह से कुक करेंगे एक साइड पर। और फिर हम देखेंगे कि ये देखिए हमारे जो एक साइड कुक हो गई है, अब इसे हम पलट देंगे। तो सारे जो स्नैक्स हैं उस तरह से फोक या आप चम्मच की हेल्प से पलट लें। तो इस तरह से सारे जो अप्पे हैं वो मैंने पलट लिए हैं और इसे भी हम कुक करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, और ये बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने इसे कुक करना है। तो देखिए 2 से 3 मिनट बाद ये हमारे अप्पे जो है वो रेडी हो गए हैं, सूजी चावल और दही के, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस। आप इसमें कुछ भी अपनी तरफ से एडिशन कर सकते हैं, कोई सब्ज़ी का भी एडिशन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये फटाफट बनकर तैयार हो जाते हैं, बच्चों को बहुत टेस्टी लगते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी पर।